जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चांपा शहर में दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाने प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी दी गई। समिति के पदाधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा, जय तवाईत सहित अन्य लोगों ने बताया कि चांपा शहर में इस बार 55 फीट रावण का दहन किया जाएगा। खास बात यह है कि रावण का दहन एक एक सिर से शुरू होगा और प्रत्येक सिर दहन के साथ रावण संवाद डिजिटल लाइट एंड साउंड के जरिए होगा। इसके साथ ही आतिशबाजी की शानदार व्यवस्था होगी, जो आकाश में रंग बिरंगी छट बिखरेगी। दर्शकों के मनोरंजन के लिए शाम ढलते ही सुप्रसिद्ध जस गीत गायक देवेश शर्मा अपनी टीम के साथ शानदार प्रस्तुति देंगे। इसी तरह इंडियन आइडल फैन शिव चौधरी टीम के साथ प्रस्तुति देंगे। हर साल दशहरा उत्सव के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए इस बार प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। भलेराय मैदान में चारों ओर पार्किंग है, जहां अपने वाहनों को पार्क करने के बाद वन वे रोड से दर्शक मैदान के भीतर आएंगे और फिर रावण दहन के बाद वापस जाएंगे। भलेराय मैदान में रावण का निर्माण किया जा रहा है। अभी रावण का सिर लगभग बनकर तैयार है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। सबसे पहले तो पूरे नगरवासी को, क्षेत्रवासियों को मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और 24 तारीख को दशहरा उत्सव के संबंध में आज आप लोगों के समक्ष बैठक भी रखी गई थी, प्रेस वार्ता भी रखा गया था, जिसमें सारी जानकारियां दी गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरे चांपा नगर आसपास क्षेत्र के जितनी भी जनताएं हैं, सब दशहरा उत्सव में भलेराय मैदान में भव्य रूप से इस बार मनाया जाएगा। आप सभी के माध्यम से मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ और निश्चित ही इस बार सुनियोजित ढंग से दशहरा उत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। बैठक की व्यवस्था अच्छे से की जा रही है हमारे समिति और समिति के सभी सदस्यों के द्वारा, और साथ ही रावण जो है, जिसका दहन किया जाता है दशहरा के दिन, अपने अंदर की बुराई को समाप्त करने का यह एक त्यौहार है दशहरा उत्सव। और रावण की ऊंचाई जो है लगभग 55 फीट की रहेगी, यह एक आकर्षण का केंद्र रहेगा हमारे इस चांपा नगर में दशहरा उत्सव का। इस बार भलेराय मैदान में चांपा दशहरा उत्सव समिति भलेराय मैदान चांपा के नाम से इस कार्यक्रम को आयोजित की जा रही है, और इसमें 55 फुट का रावण है और उस रावण का दहन अलग अलग उनका जो सिर है और उन सिरों के माध्यम से रावण दहन होगा और प्रत्येक सिर के साथ राम रावण संवाद ये डिजिटल लाइट एंड साउंड के माध्यम से किया जाएगा। आतिशबाजी का विशेष व्यवस्था की गई है और इसमें वह आतिशबाजी आकाशीय रहेगी और रंग बिरंगी छटाओं के साथ मैं, बल्कि हमारे जो जितने भी इस कार्यक्रम को देखने आए उन दर्शकों से अपील करूँगा कि वो अपने साथ कैमरा, मोबाइल आदि अवश्य लेकर के आएँ, ताकि उस मनोरम दृश्य को कैमरे में कैद की जा सके। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के दृष्टि से हमारे क्षेत्र के जसगीत गायक देवेश शर्मा जी रायगढ़, इनकी प्रस्तुति होगी, और इंडियन आइडल फेम शिवजी चौधरी का, उनका भी हिंदी भजन और हिंदी गानों के साथ लोगों के मनोरंजन के लिए वो भी यह प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा जो आगंतुक वहाँ उस कार्यक्रम की भव्यता को देखने आएंगे, उन सभी की सुख सुविधाओं को देखते हुए वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। मैं आयोजन समिति की ओर से एक विशेष अपील करना चाहूँगा कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी प्रकार से किसी नागरिक को अव्यवस्था ना हो, उनको असुविधा ना हो, इसके दृष्टि से एक प्रेस नोट जारी की गई है, जिसमें उस पूरे ग्राउंड के आसपास क्षेत्र का मैप तैयार किया गया है और जिसमें वन वे किया गया है, किसी प्रकार से वाहन लेकर के मोटरसाइकिल, कार, ट्रक आदि उस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल जो BDM हॉस्पिटल क्षेत्र है उसमें आवागमन रहेगा, लेकिन जो कार्यक्रम देखने आ रहे हैं, स्थानीय हैं, चांपा नगर के हैं, तो वो अपनी गाड़ी, अपना वाहन घर में ही छोड़कर पैदल आ सकते हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं उनका अलग अलग स्थान पे मारुति टाउनशिप में और चौपाटी के पास, लायंस स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर,
ऐसे स्थानों पर उनकी पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। तो इन सभी में आम नागरिकों से, गणमान्य नागरिकों से, हमारे जो आगंतुक अतिथिगण हैं, प्रेस के हमारे साथियों के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि इन सभी व्यवस्थाओं में हमें सहयोग प्रदान करें और इस कार्यक्रम को और भव्यता प्रदान करने के लिए अपने पूरे सह परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ वहाँ आएँ और इस कार्यक्रम का आनंद लें, ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।